कभी आपने आंधी चलते हुए देखी होगी, और आंधी में आपने देखा होगा बहुत सारा ये जो प्लास्टिक के लिफाफे उड़ रहे होते हैं, कोई मंजिल नहीं होती, वो जिस तरफ वो गर्दोगुबार ले जाएगा वो सब कूड़ा कबाड़ भी उस तरफ चला जाएगा। ज़िंदगी के अंदर मकसदियत का होना, अपने मकसद अपने गोल के साथ अपनी कंपेलिंग रीज़न का जोड़ना, और अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचना कि मैं कौन सी ऐसी कंपेलिंग रीज़न है जो अपने अंदर पैदा करूँ। इसको आसान कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ, आप सोचें कि जी मैं तो एक मुलाजमत करना चाहता हूँ, मेरा क्या गोल होगा, मैंने तो एक कुछ तालीम हासिल कर ली है और उसके बाद मैंने मुलाजमत करनी है। दोस्तों यहाँ पे भी मुलाजमत के अंदर भी मकसद डिफरेंट हो सकते हैं। एक मकसद तो सिर्फ ये है कि यार मैं इस काम को कर रहा हूँ ताकि मुझे महीने के बाद कुछ मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, ये भी सही मकसद है। मकसद की कैफियत कमियत थोड़ी कम है, लेकिन आप कह रहे हैं मकसद सही है। एक ये मकसद है कि मैं इस मुलाजमत को कर रहा हूँ इस वजह से कि मैं एक दो साल के अंदर इस काम को सीखूँगा और इसके अंदर महारत पैदा करूँगा, ताकि जिस जैसे अदारे में मैं काम कर रहा हूँ इससे बेहतर अदारा खुद मैं अपना बना सकूँ, ये भी तो एक मकसद हो सकता है। लेकिन इस मकसद की कैफियत डिफरेंट होगी, इस मकसद की एफर्ट डिफरेंट होगी। एक ये मकसद हो सकता है कि भाई ये मैं इस इदारे में काम कर रहा हूँ और चूंकि ये मेरा एम्प्लॉयर जो है ये मुझे तनख्वाह देता है, तो मुझे इसके लिए वैल्यूएबल बनना है, मुझे इसको बेहतर से बेहतर वैल्यू देनी है, ताकि मैं अपने काम के साथ इस अदारे की तरक्की का बायस बनूं और उसकी तरक्की के प्रोपोर्शनेट ऑफ कोर्स जब मैं तरक्की दे रहा हूँ तो मेरी भी तरक्की होती चली जाएगी। एक ये मकसद हो सकता है। एक ये मकसद हो सकता है कि मैं इस पूरे मुल्क के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी शिकायतों की बात करते हैं, बहुत सारे मामला, जी इंडस्ट्री ऐसे है, फलानी चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, लेकिन मैं उनको बदल नहीं सकता, मैं उस सब चीज़ों को असरअंगेज़ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कोई मामूली सा काम भी करने का है, शायद मेरे पास एक प्लम्बिंग का काम है, मेरे पास एक जैसे एक राज मजदूर होते हैं सिर्फ उनका काम है, या मेरे पास एक क्लिनिक चलाता हूं मैं, या कुछ भी मैं एक छोटे से छोटा काम भी या बड़े से बड़ा काम मैं करूं, दोस्तों मैं ये समझता हूं आप जो काम भी कर रहे हैं अगर आप अपने गोल को ये बना लें कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपनी दयानतदारी के साथ अपने आप को उसमें बेहतरीन से बेहतरीन डिलीवर करूंगा, यही मेरा हिस्सा है, यही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स माई कंट्री टूवर्ड्स माई सोसाइटी, सो यू हैव फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव। तो मेरा जो कहने का मकसद था वो ये था कि आप जिस वक्त अपने नए साल को शुरू करें डिफरेंट थिंकिंग के साथ शुरू करें। दोस्तों देखें किसी बड़े खूबसूरत बात की, उसने कहा जो सोच होती है इंसान के अंदर वो सोच के साथ उसके कुछ एक्शंस जुड़ते हैं, जब वो उन एक्शंस को रिपीट करता है तो वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं, जब वो उन हैबिट्स को रिपीट करता है तो वो उसका करैक्टर बन जाता है, और वो करैक्टर जो है वो उसकी डेस्टिनी कहलाता है, वो उसकी नसीब कहलाता है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे अपने नसीब को बदलना है तो मुझे क्या बदलना पड़ेगा, मुझे पहले अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। अगर मैं अपने किरदार को बदलना चाहता हूं तो कैसे बदलूंगा, मैं अपने हैबिट्स को बदलूंगा। अगर मैं अपने हैबिट्स को बदलना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, अपने इस वक्त के एक्शंस को बदलूंगा। अगर मैं अपने एक्शंस को बदलना चाहता हूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी सोच को बदलूंगा। तो सोच के साथ हमारे नसीब जुड़े हुए हैं। 2021 एक नई सोच के साथ अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने का साल है। 2021 में आप अपनी ज़िंदगी के जिस वक्त गोल बनाएं, आप गोल बना सकते हो अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आप अपनी सोशल लाइफ से रिलेटेड, अपनी रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड, अपनी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड, आप उसमें एक गोल बनाओ। गोल बनाने के बाद जैसे मैंने कहा The power of ambition talk about, अब उसको खाली गोल ना रहने दो, उसको टाइम लाइन कर लिया कि जी ये मैं 3 महीने में 4 महीने में 6 महीने में अचीव करूंगा, लेकिन उसके साथ एक कंपेलिंग रीजन जोड़ो। वो कंपेलिंग रीजन तुम्हें ये बताएगी ये मेरा लॉन्ग टर्म अफेयर है, ये सिर्फ इस साल में ख़त्म हो जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि मेरा एक विजन है। वो विजन ये है कि मैंने अल्टीमेटली अपने आप को इस सतह तक ले जाना है, जिसको लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इसको हम कहते हैं कि आप अपने सामने अपना 5 से 10 साल का एक विजन रखते हो, मुझे पहुंचना कहाँ है।
जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 साल में अचीव कर सकते हो वो सिग्निफिकेंट होती हैं। मुझे एक थिंकर की बात बड़ी पसंद आई, उसने ये हाईलाइट किया, उसने कहा कि डायलेमा ये है कि लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं जो कुछ वो 1 साल में अचीव कर सकें और अंडर एस्टिमेट करते हैं उस चीज़ को जो वो 5 से 10 साल में हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने सामने अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 साल का एक ब्रैकेट रखो, मुझे इसमें कहाँ तक पहुँचना है, एक विजन रखो अपने सामने, और उसके बाद उसमें जो पहला स्टेप है या चंद स्टेप्स हैं 2021 में मुझे क्या क्या करना है और उसके पीछे मेरी कंपेलिंग रीज़न क्या है और इस गोल के साथ रहते हुए मुझे क्या चीज़ें हैं जिनको करना पड़ेगा। जब आपकी ज़िंदगी में गोल्स आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़नी पड़ती हैं। देखिए मैं उसकी कुछ मिसालें आपको देता हूँ। आपने कभी रॉकेट को देखा हो आसमान की तरफ जाता है, तो रॉकेट की अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं और रॉकेट 2-3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसमें क्या होता है कि हर हिस्से में एक सर्टन फ्यूल होता है, वो फ्यूल उसको जिस वक्त बर्न आउट हो जाता है तो एक सर्टन स्टेज के बाद वो डिटैच हो जाता है और फिर उसका सेकेंड स्टेज जो है वो उसको और ऊपर लेकर जाती है, फिर वो बर्न आउट हो जाता है, फिर वो आखिर में और जिस वक्त वो खला में पहुंच जाता है तो वो बड़ा थिन होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूल उसके साथ डिटैच हो चुका होता है, अब वो उसको वहाँ पर उसने पहुँचा दिया। दोस्तों मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑफलोड करना पड़ता है। हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे बैगेज, अपनी ज़िंदगी के पास्ट के पछतावे, उनको डिटैच करना पड़ता है। हमें अपनी ज़िंदगी में से उन लोगों को जो बदकिस्मती से अगर नेगेटिव हैं, जो बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं रखते, जो ज़िंदगी को सिर्फ एक खेल तमाशे की तरह समझते हैं, अगर हम सिर्फ उन लोगों की सोहबत में रहते हैं तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। तो हमें ज़िंदगी में तलाश करने पड़ते हैं वो लोग जो हमें अपलिफ्ट करने वाले हों। तो आपको वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अच्छे संग तरे, जो लोग अच्छों की सोहबत में रहता है वो तर जाता है, यानी वो आगे पहुँच जाता है। तो 2021 में आपको कुछ चीज़ें इस हवाले से सोचनी चाहिए कि मेरी जो इमीडिएट कम्युनिटी है या जिन लोगों के साथ मैं टाइम गुजार रहा हूँ, क्या ये मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं? क्या ये लोग प्रोग्रेसिव हैं? क्या ये लोग फास्ट मूवर्स हैं? दोस्तों अगर नहीं हैं तो ये आपको सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जैसी कंपनी में रहते हो वैसे ही आप बन जाते हैं।